आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे टाटा पावर स्टॉक के बारे में, और इस स्टॉक में मैं अपना एनालिसिस आगे बढ़ाऊं। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि अगेन स्टॉक 200 के नीचे जाएगा या फिर पोटेंशियली है यहां से 300-320 का, और इसके पीछे के क्या रीजन है वो भी आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। देखते हैं कितने लोग बुलिश हैं और कितने लोग बियरिश हैं इस स्टॉक में, और एपिसोड को आगे बढ़ें इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और उसके पिन मैसेज को फाइंड आउट करें अगर आप मास्टर क्लास को लेकर के इंटरेस्टेड हैं। पिछले वन मंथ के जो ट्रेंड है वो फ्लैट निगेटिव दिख रहा है यहाँ देखेंगे, और ये ट्रेंड कंटिन्यूअस यहाँ से देखेंगे तो लोअर साइड में ट्रेंड रहा। 5 डेज के ट्रेंड आपको थोड़ा बहुत यहाँ से स्लाइटली अपर ट्रेंड दिखेगा, 4% के आसपास का ट्रेंड दिखा है और लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखी है। आगे इस स्टॉक में एक निगेटिव खबर आई है जो बहुत ज्यादा निगेटिव है और मुझे लगता है कि ये सस्टेनेबल डाउन ट्रेंड धीरे धीरे आपको दिख सकता है। यहाँ देखेंगे खबर क्या है। महाराष्ट्र पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड सेड इट हैज आस्क्ड द HPCL, टाटा पावर एंड द फ्यू अदर कंपनी टू कट डाउन देयर प्रोडक्शन बाय 50% टू कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो कर्ब पॉल्यूशन है उसको लेकर के। जब प्रोडक्शन कम होएगी कंपनी के प्रॉफिट कम होंगे स्टॉक ओवरवैल्यूड होएगा, करेक्शन आएगा, और इस समय चूंकि जो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने होते हैं उसमें ऑलरेडी डिमांड कम होता है, तो थोड़ा स्लाइटली आपको ऐसे सोचना चाहिए और थोड़ा ट्रेंड निगेटिव की तरफ दिख सकता है। इसके अलावे यहाँ देखेंगे क्या खबर है कि टाटा मोटर्स आफ्टर शॉर्ट टर्म करेक्शन कैन टाटा स्टॉक क्रॉस 300 मार्क्स, और यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है। जो हाईएस्ट टारगेट प्राइस इस स्टॉक को लेकर के है वो 339 के है। इसके अलावा एक बड़ी खबर हमने ये देखा था कि आशीष खन्ना, यहाँ देखेंगे आशीष खन्ना जी को टाटा पावर अपॉइंट दीपेश खन्ना, जहां आशीष खन्ना जी को रिप्लेस करा गया एज अ प्रेसिडेंट रेन्यूएबल एंड सीईओ ऑफ एमडी, ये टाटा पावर रेन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, आशीष खन्ना मूव एज प्रेसिडेंट, इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। और इनको प्रेसिडेंट किनका बनाया गया है, ये जनरेशन बिजनेस के प्रेसिडेंट रहे आशीष खन्ना, और जो दीपेश नंदा जी हैं उनको प्रेसिडेंट बना गया रिन्यूएबल एनर्जी, एमडी और सीईओ बने हैं। यहाँ सिंपल समझेंगे तो जो टाटा पावर के जो रेन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है उसको लेकर के ये एक बड़े चेंजेस हुए हैं। अब इस स्टॉक में टेक्निकल ट्रेंड तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा, यहाँ देखेंगे तो वीकली ट्रेंड पॉजिटिव तो दिखेगा, लेकिन डिलीवरी भी बेटर दिखेगी यहाँ देखेंगे, लेकिन जो वॉल्यूम है वो इस समय मिसिंग है, काफी एवरेज वॉल्यूम के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये काफी एवरेज वॉल्यूम है। और चार्ट के माध्यम से सिंपल एनालिसिस मैं आपको दिख, चार्ट के माध्यम से जो ट्रेंड है अभी भी ये ट्रेंड क्या है, लोअर लो लोअर हाई है, जो कि काफी नेगेटिव ट्रेंड है। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप SL को ट्रेल करके रह सकते हैं, 236 के नीचे के SL को ट्रेल करके, जहां आपका टारगेट जो है 256, 272 और 300 हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी में एक बार आप सेल करें और बेस्ट बाइंग जोन जो है 218 से 210 के और इसके नीचे भी हो सकता है, थोड़ा इस समय कौशन बरतना चाहिए। पॉल्यूशन जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है जिसको लेकर के, और CO2 इमिशन में देखेंगे तो कंपनी काफी कार्य करते दिख रही है जिसको लेकर के कुछ सब्सिडरीज की न्यूज हमने UK से भी देखा था। इस समय थोड़ा मुझे लगता है कि ये करेक्शन तो इंडेड है Q2 के रिजल्ट के पहले।